ये इथेनॉल है ठीक है, इथेनॉल को टेस्टिंग सॉल्यूशन नहीं घर में लेकर ले सर। ये इथेनॉल ले लिए, देख रहा था ये आप ML के साथ नहीं, हम ये जो बोतल भी जितना लिए ना उतना ही एक और बोतल में हम लेते हैं वो। अभी पढ़ाए थे कि एस्टर जो है आपको कैसा बनता है कि आपको अल्कोहल और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स करते हैं है ना, और उसमें क्या करेंगे एसिड कैटलाइज करेंगे, मतलब एसिड कैटलाइज के रूप में उसमें क्या करेंगे यूज करेंगे। एसिड के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे जो सबसे बेस्ट एसिड है ना, सबसे बेस्ट एसिड है इसका यूज करेंगे। क्लीनिंग एजेंट भी होता है, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है ऐसे टैंक होती है ठीक है, जो भी ठीक है ये किसका काम करेगा एसिड कैटलाइज का। ये देखिए अल्कोहल है इथेनॉल और ये क्या है एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका क्या है अल्कोहल अल्कोहल। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटेड करवाता है रिएक्शन करवाता है तो ये क्या बनता है एस्टर। एस्टर का स्मेल कैसा होता है फ्रूटी, और ये दोनों जब रिएक्शन करके एस्टर बना लेगा, ये दोनों जो कि आपको ये आपका इथेनॉल और ये एस्टर रिएक्शन करके आपको एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को बोलते हैं, जो वन पाथ ऑफ रिएक्शन होते हैं। वन पाथ ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब जस्ट लाइक कि ये जब बॉन्ड करेगा वन पाथ रिएक्शन तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं, मतलब जब आपको इसको इसमें जो हीट कीजिएगा ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा भी हीट कीजिएगा तो ये फिर से पुनः वाटर डाल के इसको तोड़ के आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना सकते हैं, पुनः मतलब रिवर्स करवा सकते हैं इसको। जैसे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब ये तो ये अभी एक रिएक्टेंट है एक रिएक्टेंट ये है, एक एसिटिक एसिड है एक है इथेनॉल, दोनों रिएक्टेंट साइड है अभी, अभी तो प्रोडक्ट का हम बनवा ही नहीं है अभी रिएक्टेंट साइड ले रहे हैं, और ये किसका काम करेगा एसिड कैटलाइज का, क्योंकि कौन सा H2SO4 ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको लेते हैं पकड़िए, ये वाला तो प्रॉब्लम नहीं ये खतरनाक का इस्तेमाल कर रहे हैं एक अच्छा होता है इसको किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड को किसी भी अमाउंट में नहीं ले सकते क्योंकि ये जो है यही जो रेफरेंस करवाएंगे। देखिए जैसा ही आपको ये डाल रहे हैं देख रहे हैं एक चीज़ देख रहे हैं कुछ चेंजिंग हुआ है इसमें, कलर चेंज हुआ ये जो है ऐसे आपको कलर जो है ना पूरा आपको इस टाइप का हो जाएगा, पिंक टाइप का कलर हो जाएगा पूरा मिलाते आपको, और नहीं अगर होगा तो हीट कीजिएगा तब ये पिंक कलर का होगा। जैसा ही इससे स्मेल आना स्टार्ट हो जाए फ्रूटी इसमें तो समझ जाइए क्या बन गया एस्टर, अभी तो नहीं हो रहा लेकिन नहीं तो इसको आप हीट कर सकते हैं, हीट कितना तक कर सकते हैं तो इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तक इसको हीट कर सकते हैं। आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट लगभग आपको 150 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल बॉइल करते हैं, तो ये दोनों को आप ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका ये है कि ये इसके बाद एसिड डालिए, एसिड जो आपको हम लोग क्या है कैटलिस्ट का काम करेगा, जो रेट वाष्प के यहाँ वाष्प के रूप में ये जो उड़ेगा वेपोराइज तो होगा ही, वेपोराइजेशन जो होगा लेकिन कम अमाउंट में वेपोराइजेशन होगा, और अमाउंट वेपोराइजेशन से पहले वेपोराइजेशन होने से पहले ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जब कलर चेंज हो जाएगा तो फ्रूटी स्मेल आ जाएगा, तो वेपोराइजेशन होगा तभी तो फ्रूटी स्मेल आएगा, और फ्रूटी स्मेल आएगा तो समझ जाएंगे इस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है, और जब इस्टर बन चुका है तो फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हीट करके वाटर मॉलिक्यूल डीएम वाटर डालेंगे हीट करेंगे तो फिर आपको वही आपको अल्कोहल और क्या बन सकता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन फिर इसका एक बात होता है कि इसको हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं क्योंकि तो मिक्स रूप में रहेगा, इसको आप कैसे कर सकते हैं इसका एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है, इसको आप हीट करते जाए एक्स्ट्रा अमाउंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से एक्स्ट्रा में आपको हीट कीजिएगा तो आपको जो होंगे कि अल्कोहल्स का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो वेपोराइज कर जाएगा, बाकी एसिटिक एसिड क्या होगा क्योंकि एसिटिक एसिड क्या होता है वोलेटाइल नेचर के नहीं होता है, अल्कोहल क्या होता है वोलेटाइल नेचर का होता है। अब इसको हीट करते हैं
देखिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर है, रीडिंग टेम्परेचर है, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग को लगभग आपको 80 पर हम लोग इसको बॉयल करवाते हैं, इसलिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। 80 पर भी करवाते हैं तो वही इसके लिए क्या है, लो है, क्योंकि आपको हायर बॉइलिंग पॉइंट इसका आपको 150 डिग्री देखो आपको बॉइलिंग पॉइंट इसका है, तो आपको इसको लो पे पर हम लोग करवा रहे हैं। काम कर कवर कर सकते किसी बोतल का नहीं है, ये सिंक है ना इसका जो है ना, इसका आप लगा सकते हैं, इसका कवर इसको कवर से मैच करते हैं। देखिए ऊपर बोरेट ग्लास है ना, बोरेट ग्लास है सर, कोई बात नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना सर, ड्रॉप डाल दीजिए ड्रॉप होगा, ये सर होगा थोड़ा सा ही डाले सर, इतना और खुला दिया सर, ड्रॉप से डाल दिया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, देखो एक कंटेनर में बालू लेकर आ जाइए, हम आया था सके आ गया, एक कंटे आ गया ना स्मेल, देखिए आ गया रोटी है सर, स्टार का परमिशन हो गया, देखिए यस सर स्मेल आ गया, आ गया इस्टर का रोटिया स्मेल हो गया सर। आप इसको एक बालू लेकर एक कंटेनर में सर, बालू में इसको कंडेंस करवाएंगे ना जैसे रख के, तभी ना ठंडा होगा तब उसका कलर चेंज करेगा, क्या कलर रेफ्रिजरेटर में नहीं ठंडा, बालू कंटेनर दिलचस्प लगता है।